यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को लिवाना होटल में आग लग गई। ये होटल हजरतगंज इलाके में एमजी रोड पर है। इस अग्निकांड में दो लोगों की मौत हो गई। यहाँ कई लोग फंसे हैं। इन्हें खिड़की तोड़कर निकालने की कोशिश जारी है। अब तक 18 लोगों को निकाला गया है। 15 के भीतर फंसे होने की खबर है। धुआं भर जाने की वजह से कई लोग बेहोश हो गए हैं। कुछ लोगों के झुलसने की भी सूचना है। दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। मौके पर एम्बुलेंस भी मौजूद है। जी हाँ, आपको बता दें, लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार हादसे के बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि होटल में 30 कमरे हैं। हादसे के वक्त 18 कमरे बुक थे। कुछ लोगों ने हादसे से पहले होटल छोड़ा भी था। अभी हमारे पास 30 से 35 लोगों के फंसे होने की सूचना थी। ज़्यादातर को निकाल लिया गया है। रूम नंबर 204 में फंसे हुए शख्स को मोबाइल के जरिए ट्रेस किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। होटल की खिड़कियों पर लोहे की पट्टियां लगी हुई हैं, जिन्हें तोड़कर अंदर घुसने का रास्ता बनाया जा रहा है। JCP लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोरडिया के मुताबिक कमरा नंबर 214 में अभी भी गेस्ट फंसे हुए हैं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर धुआं बहुत ज़्यादा है। वहाँ फायर फाइटर को पहुँचने में दिक्कत हो रही है। लखनऊ के फायर ऑफिसर अभय प्रताप सिंह के मुताबिक आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। लिवाना होटल में सुबह करीब 7:30 बजे कमरों में धुआं भरने लगा। 8 बजे होटल स्टाफ को इसके बारे में पता चला। दमकल को सूचना देने के बाद स्टाफ बचाव में जुटा। होटल के आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि कई लोग खुद ही खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले। कई लोग हाथ में सामान लेकर बाहर आते दिखाई दिए। होटल से रेस्क्यू करके निकाले गए एक महिला और एक पुरुष बेहोश थे। उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। उनकी पहचान होटल स्टाफ की मदद से की जा रही है। सिविल अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनके पास 7 मरीज एडमिट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने DM और पुलिस के अफसरों को बचाव कार्य के लिए मौके पर जाने के लिए कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में हुए अग्निकांड पर ट्वीट करके कहा कि हमारे कार्यकाल लखनऊ प्रशासन के संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।